तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम इंटरग्रोथ टेक्सचर के बारे में दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं। इंटरग्रोथ टेक्सचर मतलब एक साइमल्टेनियसली एक मैग्मा चैम्बर है। इसी मैग्मा चैम्बर में दोनों डिफरेंट कंपोजिशन है। ओके, दोनों डिफरेंट कंपोजिशन दोस्तों क्रिस्टलाइज सेपरेटली कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों दोनों सेपरेटली क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं के कारण ये भी ग्रोथ कर रहा है और ये भी ग्रोथ कर रहा है। ओके, दोनों क्रिस्टल साइमल्टेनियस ग्रोथ कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो टेक्सचर फॉर्मेशन होगा दोस्तों, इसको इंटरग्रोथ। ओके, साइमल्टेनियसली डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल कंपोजिशन अगर क्रिस्टलाइज होंगे तो दोस्तों उसको हम इंटरग्रोथ टेक्सचर बोलेंगे। ओके, इंटरग्रोथ टेक्सचर का कुछ एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ। एक होता है दोस्तों आपका ग्राफिक टेक्सचर। ओके, ग्राफिक टेक्सचर किसके किसके बीच में होता है दोस्तों? क्वार्ट्ज एंड के फेल्डस्पार के बीच में दोस्तों आपका ग्राफिक टेक्सचर देखने को मिलेगा। जनरली जितने भी आप इंटरग्रोथ टेक्सचर देखोगे दोस्तों, एक्जोल्यूशन यहाँ पे जनरली होता है। एक्जोल्यूशन मतलब एक मतलब हाई टेम्परेचर में दोस्तों वो मिलके रहते हैं। एक्स प्लस वाई मैग्मा होता है हाई टेम्परेचर में, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर दोस्तों ड्रॉप डाउन करेगा, एक्स सेपरेटली क्रिस्टलाइज करेगा, एस सेपरेटली ग्रोथ करेगा और वाई भी दोस्तों सेपरेटली ग्रोथ करेगा। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? ये भी ग्रोथ कर रहा है, ये भी ग्रोथ कर रहा है, तो इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटरग्रोथ टेक्सचर। ओके, ग्राफिक टेक्सचर एक एग्जाम्पल है। इंटरग्रोथ टेक्सचर बिटवीन ग्राफिक टेक्सचर किसके किसके बीच में होता है दोस्तों? क्वार्ट्ज एंड के फेल्डस्पार के बीच में दोस्तों आपको जनरली ग्राफिक टेक्सचर देखने को मिलेगा। ओके, अगर जनरली फेल्डस्पार का कंपोजिशन क्या होता है दोस्तों? माइक्रोक्लाइन। ओके, KL Si3O8 होता है। माइक्रोक्लाइन जनरली आप भी जानते हैं दोस्तों, लो टेम्परेचर में फॉर्मेशन होता है, लो टेम्परेचर में फॉर्मेशन होता है। ओके, तो क्वार्ट्ज एंड माइक्रोक्लाइन, क्वार्ट्ज और केफेल्डस्पार में ज़्यादातर माइक्रोक्लाइन ही देखने को मिलता है। इनके बीच में अगर इंटरग्रोथ हो रहा है, लो टेम्परेचर जनरली ये फॉर्मेशन होता है माइक्रोक्लाइन, तो इनके दोनों के बीच में अगर इंटरग्रोथ हो रहा है, इसको हम ग्राफिक टेक्सचर बोलेंगे। अगर अगर अभी केस दूसरा ले लेते हैं, अगर उसमें क्वार्ट्ज प्लस दोस्तों केफेल्डस्पार रहेगा, लाइक ऑर्थोक्लेज रहेगा दोस्तों, माइक्रोक्लाइन यहाँ पे कम रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? ग्रानोफेरिक। तो क्वार्ट्ज और माइक्रोक्लाइन रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? ग्राफिक टेक्सचर। यहाँ पे जो ग्राफिक टेक्सचर है दोस्तों, वहाँ पे क्वार्ट्ज थोड़ा एंगुलर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ग्रानोफेरिक में क्या रहता है दोस्तों? क्वार्ट्ज प्लस केफेल्डस्पार। यहाँ पे देख सकते हैं इंटरग्रोथ ऑफ क्वार्ट्ज एंड केफेल्डस्पार। ओके, दिस इंडिकेट टू दी ग्रानोफेरिक। लेकिन ये जो के फेल्डस्पार अल्कली फेल्डस्पार आप देख रहे हैं, इसमें कंपोजिशन क्या रहेगा दोस्तों? ऑर्थोक्लेज आपको जनरल देखने को मिलेगा। अगर माइक्रोक्लाइन रहेगा तो उसको ग्राफिक, अगर ऑर्थोक्लेज रहेगा तो उसको ग्रानोफेरिक टेक्सचर हम बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद दूसरा टेक्सचर जो आएगा दोस्तों, उसको हम पोर्थाइट टेक्सचर बोलते हैं। पोर्थाइट टेक्सचर इज द एक्जोल्यूशन टेक्सचर व्हिच इज ऑकर बिटवीन द अल्बाइट व्हिच इज कंपोजिशन Na(Al)2Si3O8। ओके, दूसरा कंपोनेंट है हमारा दोस्तों अल्कली फेल्डस्पार के। जनरली हाई टेम्परेचर में क्या होता है, ये दोनों मिनरल Na एंड के दोस्तों बहुत ही अच्छे से रह पाते हैं दोस्तों, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, Na सेपरेटली क्रिस्टलाइज करेगा और के भी दोस्तों आपका सेपरेटली क्रिस्टलाइज करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? पोर्थाइट टेक्सचर। पोर्थाइट इज वेरी कॉमन इन इग्नियस रॉक एंड कंसिस्ट ऑफ क्वांटिटेटिवली माइनर लैमेली सेड पैचेस एंड रिम्स ऑफ एन अल्बाइड कॉम्पोनेंट विद इन एंड अराउंड द होस्ट ऑर्थोक्लेज और माइक्रोक्लाइन। क्या? क्योंकि जो पोर्थाइट टेक्सचर है दोस्तों, वहाँ पे एक्जोल्यूशन होता है। एक्जोल्यूशन में ये लैमेली हो सकता है, शेड पैचेस, ये दोस्तों कॉमन फीचर होते हैं। ओके, पोर्थाइट टेक्सचर में दोस्तों जनरली आपको अल्बाइड मिलेगा, अल्बाइड देखने को मिलेगा एंड और क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? ऑर्थोक्लेज। ओके, और यहाँ पे दोस्तों ऑर्थोक्लेज इज द होस्ट मिनरल। ऑर्थोक्लेज क्या मिलेगा दोस्तों? यहाँ पे ऑर्थोक्लेज इज द होस्ट मिनरल। ऑर्थोक्लेज के ऊपर दोस्तों आपको अल्बाइड थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। जनरली आपको अल्बाइड को कैसे पहचानोगे दोस्तों? अल्बाइड का जनरली हायर बाय रेफ्रिजरेस रहता है दोस्तों। अल्बाइड का क्या रहता है? हायर बाय रेफ्रिजरेस। तो ये दोस्तों थोड़ा ब्राइटर दिखता है, तो इसीलिए क्रॉस निकल में आप इजीली अल्बाइड को पहचान सकते हो। और अगर एक्जोल्यूशन बिटवीन ऑर्थोक्लेज एंड अल्बाइड हो रहा है और ऑर्थोक्लेज दोस्तों होस्ट है, तो दोस्तों ये हमारा पोर्थाइट। ओके, तो पोर्थाइट टेक्सचर क्या है दोस्तों? फिर से मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि ऑर्थोक्लेज अगर होस्ट है एक मिनरल पे दोस्तों, ऑर्थोक्लेज एंड आपको अल्बाइड मिलेगा, अल्बाइड अगर ऑर्थोक्लेज दोस्तों होस्ट है
तो ये क्या बोलेंगे दोस्तों, पोर्थाइट टेक्सचर। अगर ऑर्थोक्लेज होस्ट नहीं है तो अल्बाइड अगर होस्ट हो जाएगा तो इसको हम एंटी पोर्थाइट टेक्सचर बोलते हैं। एक रॉक में दोस्तों पोर्थाइट मिलेगा, पोर्थाइट, और दूसरा क्या है दोस्तों, एंटी पोर्थाइट। तो इन दोनों में डिफरेंस जस्ट इतना ही, दोनों सेम तरीके से फॉर्मेशन होते हैं। कैसे फॉर्मेशन होते हैं दोस्तों, एक्जोल्यूशन की वजह से दोनों फॉर्मेशन होते हैं। एक्जोल्यूशन में क्या होता है कि लो टेम्परेचर में ये सेपरेट होते हैं। अगर सेपरेट होने के टाइम यहाँ पे अगर जो कंपोजिशन है दोस्तों पोर्थाइड में, ऑर्थोक्लेज और यहाँ पे अल्बाइड मिलेगा। ओके, यहाँ पे भी दोस्तों आपको ऑर्थोक्लेज एंड अल्बाइड आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ऑर्थोक्लेज एक यहाँ पे अगर हॉट स्ट्रोक हो गया तो इसको हम पोर्थाइड बोलते हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों अल्बाइड होस्ट हो गया और ये दोस्तों आपका गेस्ट मिनरल हो गया तो इसको हम एंटी पोर्थाइट बोलते हैं। तो यही था दोस्तों इंटरग्रोथ टेक्सचर ऑफ पोर्थाइट और एंटी पोर्थाइट इंटरग्रोथ बिटवीन व्हाट, ऑर्थोक्लेज एंड प्लाजियोक्लेज। प्लाजियोक्लेज में अल्बाइड हमने लिए हैं, तो अगर होस्ट रोक ऑर्थोक्लेज रहेगा तो पोर्थाइट बोलेंगे, और होस्ट रोक अगर अल्बाइड रहेगा तो उसको हम एंटी पोर्थाइट रोक हम बोलते हैं दोस्तों। ओके, उसके बाद हमारा दूसरा एक टेक्सचर आता है मिरमेकाइट टेक्सचर। मिरमेकाइट टेक्सचर कुछ नहीं है दोस्तों, जैसे कि ग्राफिक टेक्सचर बताया था इंटरग्रोथ बिटवीन ऑर्थोक्लेज, सॉरी ऑर्थोक्लेज नहीं है दोस्तों, यहाँ पे गलत लिखा है, इंटरग्रोथ बिटवीन माइक्रोक्लाइन एंड क्वाज, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्राफिक टेक्सचर। अगर इंटरग्रोथ बिटवीन प्लाजियोक्लेज एंड क्वाज रहेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मिरमेकाइट टेक्सचर। याद रखना इंटरग्रोथ बिटवीन प्लाजियोक्लेज एंड क्वार्ट्ज। ओके, और पोर्थिटिक टेक्सचर इंटरग्रोथ बिटवीन ऑर्थोक्लेज एंड अल्बाइड। ऑर्थोक्लेज अभी आपको एग्जांपल दिखाया केफेल्स पर, ऑर्थोक्लेज एंड अल्बाइड के बारे में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मिनरल यहाँ पे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, क्वार्ट्ज, और यहाँ पे दोस्तों ऑर्थोक्लेज, यहाँ पे दोस्तों प्लाजियोक्लेज। ओके, क्वार्ट्ज एंड प्लाजियोक्लेज के बीच में आपको मिरमेकाइट टेक्सचर देखने को मिलेगा। क्वार्ट्ज एंड ऑर्थोक्लेज के बीच में आपको ग्राफिक और लो टेम्परेचर में आपको ग्राफिक टेक्सचर देखने को मिलेगा, और हाई टेम्परेचर में आपको ग्रानोफेरिक टेक्सचर देखने को मिलेगा। और ऑर्थोक्लेज एंड प्लाजियोक्लेज के बीच में आपको जनरली पोर्थाइट एंड एंटी पोर्थाइट टेक्सचर देखने को मिलेगा, ये थोड़ा शॉर्टकट याद रख लीजिएगा। क्वार्ट्ज एंड प्लाजियोक्लेज के बीच में मिरमेकाइट, क्वार्ट्ज एंड ऑर्थोक्लेज के बीच में ग्राफिक, एंड ऑर्थोक्लेज एंड प्लाजियोक्लेज के बीच में पोर्थाइट और एंटी पोर्थाइट। और डिपेंड करेगा, ऑर्थोक्लेज अगर होस्ट होगा तो पोर्थाइट, प्लाजियोक्लेज अगर होस्ट होगा तो एंटी पोर्थाइट। ओके, तो मिरमेकाइट टेक्सचर यहाँ पे मैं एन इंटरग्रोथ टेक्सचर बिटवीन प्लाजियोक्लेज फेल्डस्पार, अभी जो बताया दोस्तों प्लाजियोक्लेज एंड वर्मिकुलर क्वार्ट्ज, जनरली रिप्लेसिंग पोटासियम फेल्डस्पार फॉर्म ड्यूरिंग द लेटर स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन इन एन इग्नियस रॉक और ड्यूरिंग ए सब्सिक्वेंट पीरियड ऑफ प्लूटोनिक एक्टिविटी। ओके, तो यही है दोस्तों द इंटरग्रोथ बिटवीन प्लाजियोक्लेज एंड वर्मिकुलर क्वार्ट्ज। तो दोस्तों यही है हमारा मिरमेकाइट टेक्सचर। ओके, तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद ग्रानोफेरिक टेक्सचर आपको बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पे क्वार्ट्ज एंड ऑर्थोक्लेज अल्कली फेल्डस्पार अगर रहेगा तो उसको हम ग्रानोफेरिक टेक्सचर बोलते हैं। तो यही था दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट ट्रिक फिर से यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ दोस्तों आपको। एक ट्रायंगुलर डायग्राम यहाँ पे दोस्तों आपको क्वार्ज है। ओके, यहाँ पे आपको के फेल्डस्पार और ऑर्थोक्लेज। ओके, और यहाँ पे दोस्तों आपका कौन सा मिनरल है कि आपका प्लाजियोक्लेज। तो यहाँ पे क्वार्ज एंड के फेल्डस्पार के बीच में जो इंटरग्रोथ होगा तो क्या मिलेगा दोस्तों, आपको ग्राफिक टेक्सचर आपको फॉर्म होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर थोड़ा लोड अगर यहाँ पे माइक्रोक्लाइन के साथ हुआ क्वार्ज एंड यहाँ पे वही माइक्रोक्लाइन के साथ हुआ तो ग्रानोफेरिक, थोड़ा लो टेम्परेचर में होगा दोस्तों ग्रानोफायरिक। ओके, हाई टेम्परेचर में दोस्तों ग्राफिक में दोस्तों माइक्रोक्लाइन होता है और ग्रानोफेरिक में दोस्तों ऑर्थोक्लेज होता है। तो जनरली क्वार्ट्ज एंड के फेल्डस्पार के बीच में कौन सा टेक्सचर देखने को मिलेगा दोस्तों, टेक्सचर ग्राफिक एंड ग्रानोफेरिक।
और क्वार्ज एंड फ्लाजोक्लेस के बीच में आपको कौन सा टेक्सचर देखने को मिलेगा दोस्तों, मिरमेकाइट टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा। और केफेल्सपार और प्लाजोक्लेस के बीच में कौन सा टेक्सचर दोस्तों, परथाइट टेक्सचर आपको जनरली देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यही है आपका टोटल टेक्सचर दोस्तों, और कुछ जो इंपॉर्टेंट मिसलेनियस टेक्सचर है मैं आने वाले क्लासेस में डिस्कशन करूंगा।